नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। CISF के एग्जाम्स में या CRPF के एग्जाम्स में या डिफेंस के ASI स्टेनो के एग्जाम में मैटर्स कैसे आते हैं। 2023 में काफी सारे एग्जाम्स हुए थे, ऐसा कोई भी डिफेंस का डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर आपको वैकेंसी देखने ना मिली हो, और सेम चीज दोहराने वाली है 2024 में, क्योंकि इनके एग्जाम्स में कई सारे बच्चे फेल हुए हैं, कई सारी वैकेंसीज खाली गई है। सो यही सब वैकेंसीज दोबारा एड अप होके आने वाली है 2024 में। सो मेक श्योर कि यू आर रेडी फॉर द ASI स्टेनो एग्जाम, क्योंकि इसका प्री काफी ईजी रहता है, आप सभी क्वालिफाई कर लोगे। जैसे अभी CRPF में हमारे कई सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई होके एग्जाम में उतरे थे, लेकिन 10 दिन 15 दिन की सिर्फ प्रैक्टिस के साथ में ये लोग जाए थे, बट तभी भी काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कि मैटर हमारे क्लास से मिलता जुलता आया हुआ था। सभी स्टूडेंट्स का यही फीडबैक था, एंड सेम थिंग विल बी रिपीटेड फॉर CISF एग्जाम, CRPF एग्जाम, ट्रिपल सशस्त्र सीमा बल की जो एग्जाम है, जितने भी डिफेंस लेवल के एग्जाम्स में, सभी में इंग्लिश स्टेनोग्राफर की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश स्टेनो की बात कर रहा हूँ, वहां पर मैटर जनरल मैटर आता है, एडिटोरियल मैटर आता है, और थोड़ा सा कैलाश चंद्रा की मैगजीन जो आप प्रैक्टिस करते हो ट्रेडिशनल तरीके से, उससे एक लेवल ऊपर का मैटर आता है। प्लस इनका जो एग्जाम सॉफ्टवेयर है वो एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट होता है। सो अगर आप भी चाहते हैं एक एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करना, सो आई वेलकम यू ऑल टू द स्टेनो स्कूल स्पीड बैच, जहां पर एवरी डे रोज रात को 8 बजे हमारी लाइव क्लास चल रही है। हम बच्चों को डेली डिक्टेशन दे रहे हैं, वो भी जो एग्जाम मैटर है उससे भी ऊपर टफ लेवल मैटर पे, और जो एग्जाम सॉफ्टवेयर है उस लेवल की टफनेस, उस लेवल की स्ट्रिक्टनेस के सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि जब आप इस सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी 100% रेडी फॉर द एग्जाम, ठीक है। और महीना 2 महीने की प्रैक्टिस के साथ में यू कैन मास्टर द एग्जाम, आप यहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, और अपने आउटलाइंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है डिफेंस के एग्जाम में, जैसे 500-600 बच्चे एक बैच में जा रहे हैं, एक दिन एग्जाम दे रहे हो, सिर्फ 5 से 10 बच्चे ही निकल पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, बच्चे हल्के में लेते हैं मोस्टली SSC एंड बाकी एग्जाम्स की तरह, उनको लगता है कि एकदम इजी मैटर आएगा, एकदम अच्छा एग्जाम रहेगा, लेकिन मैटर का लेवल थोड़ा बढ़िया रहता है। प्लस सॉफ्टवेयर में टाइपिंग आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, सो मेक श्योर कि आप ऐसे किसी सॉफ्टवेयर से या ऐसे किसी बैच में एनरोल कर लें जहां पर आपको सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिलता है, ठीक है। एंड अपनी पढ़ाई बढ़िया से कीजिए, डिफेंस लेवल की एग्जाम्स में जॉब बहुत ही बढ़िया रहती है। एक इंस्पेक्टर की पोस्ट है, एक वर्दी वाली पोस्ट है, लेकिन आपको काम करना है ऑफिस में बैठ के, सो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड यू कैन से। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आपको यूनिफॉर्म मिलती है तो आपको फील्ड में ड्यूटी करनी पड़ती है, बट यहां पर यूनिफॉर्म प्लस साथ में स्टार, ठीक है, आपके कंधे पे स्टार्स होते हैं और उन स्टार की कीमत आप सभी जानते हैं। प्लस डिफेंस का आपको पता है काफी फैसिलिटी मिलती है, कैंटीन फैसिलिटी होती है, वर्कलोड ठीक ठाक होता है, रिस्पेक्ट होती है, हर चीज अच्छी है। तो बस आपको क्या करना है, अपना प्री क्वालिफाई करना है, और प्री से भी पहले आपको शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी है। आपके मैटर्स बढ़िया होने चाहिए अगर आप इंग्लिश स्टेनो है, और अगर आप हिंदी स्टेनो है तो आपके हिंदी के जो रामधारी है, एडिटोरियल है, निबंध है, ये सब चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। हमारे स्टेनो स्कूल में वी ओनली प्रिपेयर फॉर इंग्लिश स्टेनो राइट नाउ, तो अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो हमारी स्पीड बैच इज सफिशिएंट फॉर यू। आप वहां से डेली डिक्टेशंस लिखे, डेली सॉफ्टवेयर पे आप ट्रांसक्रिप्शन कीजिए, एंड यू कैन सी द विजिबल चेंजेस इन योर शॉर्ट हैंड, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे किसी बैच में, किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड वॉच मोर वीडियोस। आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी यहाँ पे CISF की, CRPF की, सो आप वहां पर और वीडियोस देखकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, एंड यू कैन बी रेडी फॉर द एग्जाम, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।